हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो हमारी एक व्यूअर की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी, तो उसने डाली थी ओस्टोकैल्शियम। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ओस्टोकैल्शियम के बारे में आज। दोस्तों, ओस्टोकैल्शियम है वो मार्केट के अंदर लिक्विड और टैबलेट फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है। दोस्तों, जो मार्केट के अंदर ओस्टोकैल्शियम टैबलेट अवेलेबल होती है उसकी 30 टैबलेट्स की पैकिंग मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, और जो सिरप होती है उसका 200 ml की पैकिंग के अंदर मार्केट के अंदर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो टैबलेट फॉर्म आती है उसके अंदर क्या इन्ग्रीडियंट होता है। दोस्तों, इसके अंदर मुख्य रूप से कैल्शियम डाला होता है, जो कि ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट के रूप के अंदर, जो कि 250 मिलीग्राम कैल्शियम के रूप के अंदर अवेलेबल होता है, और इसके साथ ही इसके अंदर 400 इंटरनेशनल यूनिट 400 IU विटामिन डी थी डाला होता है। दोस्तों, वैसे तो इस प्रोडक्ट का नाम ओस्टोकैल्शियम है, इसके अंदर मुख्य रूप से कैल्शियम होता है, लेकिन इसके साथ साथ विटामिन D3 देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक विटामिन D3 नहीं होगा तो उसकी एब्सेंस के कारण, उसके ना होने के कारण बॉडी जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और यूरिन के थ्रू जितना भी आपने एक्सेस अमाउंट के अंदर कैल्शियम लिया है वो बॉडी के अंदर बाहर यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो 99% कैल्शियम होता है वो बोन के अंदर और टीथ के अंदर स्टोर होता है, और जो 1% ऑफ रेस्ट ऑफ कैल्शियम होता है वो ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा होता है। अगर हमारे खान पान के कारण बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ गई है तो हमारी बॉडी जो स्टोर्ड कैल्शियम होता है बोन्स के अंदर उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण काफ़ी वीकनेस आ जाती है और काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कि छोटे बच्चों के अंदर रिकेट्स हो जाती है। रिकेट्स के अंदर क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके पैर या हाथ होते हैं वो टेढ़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है ओस्टोमलेशिया। दोस्तों, ओस्टोमलेशिया के अंदर जो हमारी हड्डियां होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, नहीं तो वो कैल्शियम की कमी कारण ओस्टोसोरोसिस हो जाता है। ओस्टोसोरोसिस के अंदर जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उसके अंदर छेद हो जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि जो हमारी हड्डियाँ हैं वो अंदर से छन गई हो, तो इसके कारण कैल्शियम लेना काफ़ी आवश्यकता हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, जो ओस्टोकैल्शियम है मुख्य रूप से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को पूरा करता है, और हमारी हड्डियों को, हमारे जो दांत हैं उनको मजबूत करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किन किन लोगों को ओस्टोकैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत सही नहीं निकल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े दांत निकल रहे हैं, या कईयों के मुंह के ऊपर चटाक हो जाते हैं, सफ़ेद चटाक हो जाते हैं, तो उन लोगों को, उन बच्चों को ओस्टोकैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, जो ओस्टोकैल्शियम होती है वो हाइट बढ़ाने के अंदर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके गर्भ धारण किया हुआ है, या जो लेडीज़ हैं जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो वो ओस्टोकैल्शियम का प्रयोग कर सकती हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को सीजर्स आते हैं, डॉक्टर उनको एपिलान, फिनोबारबिटोन वगैरह मेडिसिन प्रयोग करवाते हैं, तो वो ओस्टोकैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट होते हैं जिनकी थायराइड की मेडिसिन चलती है, तो दोस्तों जो थायरोक्सिन टेबलेट होती है वो बॉडी के अंदर कैल्शियम को रिप्लेस करती है, तो इसके कारण एक्सटर्नली विटामिन D3 या कैल्शियम लेना काफ़ी आवश्यकता हो जाता है। इसके अलावा जब लेडीज़ को मेनोपॉज हो जाती है, यानी कि 40 से 45 की उम्र के बाद जब उनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर कैल्शियम की काफ़ी कमी आ जाती है, तो उस जगह भी आप ओस्टोकैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि किसी तरह की कोई भी कमी बॉडी के अंदर नहीं आने देता और हड्डियों को मजबूत करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति जिम के अंदर जाते हैं और हैवी प्रोटीन लेते हैं उनको भी कैल्शियम लेना काफ़ी आवश्यकता होता है, जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहे, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन लेने के अंदर के कारण बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है, ज़्यादा नमक लेने के कारण भी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आती है। इसके अलावा जिन पेशेंट को स्किन डिजीज़ है, या डॉक्टर उनको स्टीरॉयड का प्रयोग करवा रहे हैं, या कोविड के कारण कई पेशेंट्स ने काफ़ी हैवी स्टीरॉयड लिया है, तो वो भी
पेशेंट्स है कैल्शियम ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी काफ़ी है और उनको जो रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशियस या ऑस्टियोपोरोसिस है, उसकी उनके बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई भी कमी ना आए। दोस्तों अब हम बात करते हैं किन किन पेशेंट्स ने ऑस्टियो कैल्शियम का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों जिन पेशेंट्स को किडनी की दिक्कत है या जिनकी बॉडी के अंदर स्टोन्स है, उन्होंने ऑस्टियो कैल्शियम का प्रयोग नहीं करना है। जिन पेशेंट्स के अंदर कैल्शियम ऑलरेडी कंप्लीट है तो अपना ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हैं, तो उनको भी कैल्शियम एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जो पेशेंट है जिनके अंदर विटामिन D3 की कमी नहीं है, तो वो भी इसको लेने से पहले परहेज करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। दोस्तों जो सिरप फॉर्म के अंदर ऑस्टियो कैल्शियम आता है, उसकी जो डोज़ है वो आधा चम्मच सुबह शाम होते हैं 2 से 5 साल के बच्चों के लिए। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हो जाते हैं 5 से लेके 12 साल तक, उनको आप टैबलेट फॉर्म के अंदर दे सकते हैं। इसकी जो डोज़ है वो डेली की 1 OD दिन में एक बार देनी होती है। और जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनके लिए इसकी जो डोज़ है वो रोज़ाना की 2 गोलियाँ होती हैं, इनको आप सुबह शाम देते हैं। दोस्तों ऑस्टियो कैल्शियम लेने से पहले आपने ध्यान देना है कि इस गोली को अच्छी तरह चबा के फिर लेना है। ऊपर से आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं और इसको आपने खाने के बाद लेना है। दोस्तों अगर आपको किसी भी मेडिसिन पे कोई भी रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।